कांग्रेस पार्टी में सेवा दल और उसके सैनिक, मैं मानता हूं कि हमेशा से कांग्रेस को हर उस परिस्थिति में जब कांग्रेस को आवश्यकता होती है ज़्यादा संबल की, जब हम विपक्ष की भूमिका में होते हैं या हमारी हार होती है, तब सेवा दल हमें ताकत देता है। और मैं मानता हूं कि जो उनका सेवा दल के मूल सिद्धांत है, एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता जब टिकट लेने जाता है, चुनाव लड़ने जाता है, कोई पद पाने जाता है, उससे पहले उसकी ट्रेनिंग सेवा दल के उन सिद्धांतों के साथ हो, उन शिविरों में हो, तो मैं मानता हूं कि देश की फिजा बदलेगी। कार्यकर्ताओं को एक आदर्श कार्यकर्ता का एक नई ट्रेनिंग का पार्ट मिलेगा। और आज शेखर पटेल चूँकि मेरे परिवार के हैं, बचपन के दोस्त भी हैं, और हम साथ में राजनीतिक ABCD हमने की है, तो आज वो सेवा दल के इस महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। मैं उनके हौसला अफजाई के साथ साथ उनको साधुवाद देने के लिए कि सेवा का जो मादा उनमें है वो अभूतपूर्व है, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हर कांग्रेस जन को सेवा दल के मूल स्वभाव को आत्मसात करना, ये हमारा उद्देश्य और ये होना चाहिए। आज आप दिल्ली जा रहे हैं, चीफ को लेकर भी हलचल काफी तेज है, किस पर आगे दिल्ली चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी है, दिल्ली चुनाव को लेकर आज मीटिंग है, और मैं समझता हूँ कि जितने जिला प्रभारी बनाए गए उसमें मुझे भी जिला प्रभारी बनाया गया, तो हम लोगों का काम है। और ये उससे इस संदर्भ को कि PCC चीफ से नहीं जोड़ा जाए, PCC चीफ कमलनाथ है, अच्छी कांग्रेस चल रही है, स्थानीय निकाय के चुनाव उनके नेतृत्व में होंगे, और मैं मानता हूँ कि हम फतह झंडा फहराएंगे। हम मैं मानता हूँ कि बच्चियों के महाविद्यालयों की बहुत अति आवश्यक है, हमें अगर ग्रास रेशियो बढ़ाना है तो बेटियों के महाविद्यालय खोलना अति आवश्यक हो गए हैं। बेटियों को कॉलेज तक, हायर एजुकेशन तक लाना, जब हमने पहले साल बेटियों को मुफ्त एडमिशन किए, आने वाले समय में मुफ्त उनकी पूरी एजुकेशन करेंगे, और इसीलिए नए महाविद्यालयों की पदस्थापना करना है। इंदौर में 4-5 नए बेटियों के महाविद्यालय खुलेंगे। अच्छा, आपने कहा कि निगम के चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में होंगे, तो उसके बाद ही निर्णय होगा PCC का, आपको क्या लगता है? नहीं, ये मेरे को नहीं पता, मैंने कहा कि आज एक ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जिसके पास एक विजन है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी है। आप देखो कि माफियाओं के खिलाफ उनने बिगुल बजाया, तो कभी भी किसी भी रूप में एक कदम पीछे नहीं हटाया। मूल उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है आम आदमी को सहूलियत मिले, सहायता मिले। विजन ऐसा जो पूरे विश्व भर के इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग, उद्योगपति मध्य प्रदेश में भरोसा करने लगे, विश्वास करने लगे। ऐसा मुख्यमंत्री जिसने एग्रीकल्चर को लेकर, आदिवासी सेक्टर को लेकर जिस तरीके के एक साल में निर्णय लिए, मैंने कहा अभूतपूर्व है, और ऐसा नेतृत्व हमारा है, हमें गर्व है।